हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप फटाफट बना सकते हैं कभी भी। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं अदरक। अदरक को मैंने चॉप कर लिया है बारीक। आप यहाँ पे अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसे सॉटे करना है हमें, तो मीडियम फ्लेम में इसे थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं यहाँ पे 7 ले रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा तीखा नाश्ता पसंद है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ। इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं पानी। तो अब पानी डाल देते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई। मैं यहाँ पे 3 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 कप सूजी का नाश्ता बना रही हूँ, तो उसमें 3 कप पानी डालेंगे। थोड़ा सा ढक दे दे ताकि ये खोल जाए। तो आप देख सकते हैं पानी हमारा अच्छे से खोलने लगा है। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी। मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है। आपको रेशियो ऐसे ही रखना है। 1 कप सूजी में आप यहाँ पे 3 कप पानी डालें। अब मिक्स कर देते हैं। अब हमें सूजी को थोड़ा सा पका लेना है, तो मीडियम फ्लेम करके इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं सूजी हमारी पक गई है। गरम मसाला पाउडर ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गरम मसाला पाउडर के साथ सूजी को। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे ताकि इसे हम टच कर पाए। अभी ये बहुत गर्म है तो इसे रख देते हैं। तो एक बर्तन में ये हमने निकाल लिया, ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है। अब हाथों को अच्छे से ऑयल लगा लेना है और यहाँ पे इसकी आप देख सकते हैं इस तरीके की बॉल्स बना लेनी है। तो एक बॉल हमारी बन गई। इसी तरह सारी बॉल हमने बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही आसानी से ये सारी बॉल बन गई। अब दूसरी प्रोसेस करनी है हमें। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का पतीला लिया है, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे मैंने आधा पतीला पानी डाल दिया है। अब एक मैंने यहाँ पे छन्नी ली है, क्योंकि हम इसे भाप से पकाएंगे बॉल्स को। तो ऐसी आपके पास अगर और छन्नी हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये वाली छन्नी है, तो मैं इसमें बनाकर दिखा रही हूँ। ये सारी बॉल्स रख देंगे छन्नी में। इसके बाद अब हम इसे एक प्लेट से ढक देंगे ताकि ये अच्छे से भाप से पक जाए, और हाई फ्लेम कर देंगे। इसे हमें 20 मिनट तक पकने देना है। तो 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी जो ये बॉल्स है अच्छे से पक कर एकदम तैयार हो गई है। अब ये हम साइड में रख देते हैं और ये हमने ठंडा भी कर लिया है। तो अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो एक बर्तन में ये सारी बॉल्स रख देते हैं। तड़का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। उसमें सबसे पहले हम यहाँ डाल रहे हैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया। इसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी राई। तो 1 टेबल स्पून राई ऐड कर दी। इसके बाद ऐड कर देंगे थोड़ा सा जीरा। तो 1/2 टेबल स्पून जीरा है। जीरा के बाद थोड़ी सी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ धनिया। मैंने यहाँ पे सूखी वाली धनिया ली है। आप चाहें तो यहाँ पे कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब डाल देंगे थोड़ा सा मसाला। तो मैं यहाँ पे छोले मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे पाव भाजी मसाला या जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो वो मसाला आप यहाँ ऐड करें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी बॉल्स, जो हमने सूजी की बॉल बनाई है वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे बॉल्स को। तो ये हमारा तड़का लग गया है बॉल्स में। हमारा नाश्ता बनकर एकदम तैयार हो गया। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आप भी ये सूजी की बॉल्स का नाश्ता जरूर बनाएं। बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बहुत ही कम तेल में बन जाएगा। तो देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है हमारी ये बॉल्स, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल में टर्न कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए गुड बाय।